हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू तरनाज इजी किचन चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का दानेदार और एकदम यमी सा हलवा बनाएंगे। तो इस नवरात्रि आप ये सूजी का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए और नवरात्रि में माता को ज़रूर इसका भोग लगाइए। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं सूजी का हलवा बनाना एकदम दानेदार और यमी। इसके मेजरमेंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सर्च करिए तरनाज इजी किचन चैनल, टेस्टी और ईजी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी। अब यहाँ पे मैंने थोड़े मिर्च ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आलमंड थोड़ा पिस्ता लिया है, थोड़ी किशमिश ली है और थोड़ा सूखा नारियल लिया है। घी में इसे भून लेंगे हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को। तो आलमंड जो है बादाम है भून गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे आप ऐसे। अब यहाँ मैं घी में डाल रही हूँ सूखा हुआ नारियल, थोड़े से ही लिए हैं और एकदम रफली चॉप्ड हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, इन्हें अच्छे से भून लें। नारियल भी भून चुका है, अब इसे भी प्लेट पे निकाल दें और लास्ट में हम भूनेंगे किशमिश को। सारे नारियल एक बार निकल जाएं, उसके बाद डाल दें इसमें किशमिश और जैसे ही किशमिश थोड़ी फूल जाए उसे आप प्लेट पर वापस से निकाल दें और लीजिए ड्राई फ्रूट तो भून चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे बचा हुआ घी। यहाँ पे मैं टोटल आधा कप घी का इस्तेमाल करूँगी और इसके साथ मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी। इसे अच्छे से भूनेंगे, जितना अच्छे से आप सूजी भूनेंगे उतना अच्छा हलवा बनेगा। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी अच्छे से भून गई है। देखिए सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और उसका जो घी है वो भी सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब सूजी भुन गई और एकदम अच्छा सा एक अरोमा आएगा आपको सूजी का। तो आप समझ जाइएगा कि सूजी भुन चुकी है अच्छे से। इसके साथ ही अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। मैंने लिया था हाफ कप सूजी, तो मैं डालूँगी डेढ़ ग्लास पानी। जितना भी आप सूजी लें उसका 1/3 आप रेशो लें। अगर एक कप सूजी ले रहे हैं तो 3 कप पानी, अगर आधा कप सूजी तो डेढ़ ग्लास पानी। एंड इसके साथ ही अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लें ताकि जल्दी से इसमें बॉईल आ जाए और सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर ले सूजी। तो जो पानी हमने डाला था सूजी में वो सूजी ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए घी भी निकलेगा अब इसमें से जल्दी से और सूजी का हलवा जो है एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए घी भी निकल आया है। अब डालेंगे इसमें मेन इन्ग्रीडियंट यानी शक्कर। अब हलवा शक्कर के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, इसमें मैं हाफ कप शक्कर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवे से घी सेपरेट हो गया है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई इलायची डाल दी है, ड्राई फ्रूट डाल दिया है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छे से मिक्स करेंगे हलवे में और 5 मिनट तक और इसे अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही टेस्टी और यमी हलवा बनके एकदम तैयार है। आप इस नवरात्रि से ज़रूर ट्राई करें। तो हलवा बनके एकदम तैयार है, देखिए कितना अच्छा यमी सा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग है खाने में। तो मैं इसे इंजॉय करूँगी। देखिए एक एक दाना कैसे अलग लिख रहा है, बिल्कुल भी उपमा के जैसे नहीं लग रहा है, ये प्रॉपर हलवे के जैसे लग रहा है। हलवा बनके एकदम तैयार है, एकदम यमी सा बना है, मैं इसे इंजॉय करूँगी। आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम कुछ अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।